गाजीपुर में कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में लोगों में भी भय का माहौल बना हुआ है। सोमवार को दोपहर में दो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद शाम में फिर तीन नए मरीज मिले हैं। आइए आपको इन तीनों मरीजों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। इनमें एक मरीज रामगढ़ बिंदपुरा कासिमाबाद गाजीपुर का है, इसकी डोमेस्टिक ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। दूसरा मरीज दिलावरपुर गौसपुर मोहम्मदाबाद का है, वही तीसरा मरीज टोंगा सेवराई रेवतीपुर का है। इन दोनों की भी डोमेस्टिक ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। इन तीनों का सैंपल 4 तारीख को लिया गया था, जिसके बाद आज इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहत की बात यह रही कि आज कुल 447 लोगों की जांच रिपोर्ट आई, जिनमें से केवल 5 लोग ही संक्रमित पाए गए। आपको बता दें कि दोपहर में दो और शाम में तीन मरीजों को लेकर देखें तो अब तक गाजीपुर में 165 लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। हालांकि इनमें से 80 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिसके बाद अब गाजीपुर में 85 एक्टिव कोरोना के केसेस हैं। गाजीपुर में बढ़ते मामलों को देखकर हमारी आपसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें, बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें, वो सामाजिक दूरी बनाए रखें। और गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।